दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि क्रक्स इंटरप्राइजेस के बारे में जानने के लिए इतने ज़्यादा कमेंट्स आए। हालांकि मैं बता दूं कि इस स्टॉक पे मैं पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहा हूं और प्रत्येक 3 महीने में 6 महीने में बनाता ही रहता हूँ। 5 महीने पहले भी बनाया था। अचानक से इसमें तेज़ी आई है, काफ़ी भाग चुका है, बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं एक लंबी अवधि में और 1 साल में भी। हम सारा कुछ देखेंगे। 2 स्टॉक्स के बारे में और भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो तीनों कंपनियां हैं स्मॉल कैप की हैं, तो शुरुआत करते हैं, एक नज़र बिजनेस पर डालेंगे और बाकी बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे। केमक्रक्स का जो स्टॉक प्राइस है 466 का है, कल क्लोज हुआ। 1 वर्ष में रिटर्न देखते हैं 242% के हैं, जो कि बहुत ही शानदार हैं। 5 वर्ष में अगर आप देखेंगे 4000% के रिटर्न है। और यही नहीं, आप देखिए अभी भी छोटी कंपनी है, 690 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 46 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16 का है। देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो दिग्गज हैं ऑलरेडी, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते। इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, लेकिन ROE वर्सेस FD रेट्स स्टॉक हैज बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन द फिक्स डिपॉजिट। डिविडेंड भी पे करता है, एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है और नो रेड फ्लैग्स यानी कि ASM GSM लिस्ट में नहीं है। सीधे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें अच्छी लगती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। देखिए 2019, 20, 21, 22 4 वर्षों का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो 2019 में 55 करोड़ से ज़्यादा का, उसके अगेंस्ट में जो मुनाफा निकल के आया 9.5 करोड़ के आसपास। 2020 के वित्त वर्ष में 58 करोड़ से ज़्यादा का जो है टर्नओवर रहा, मुनाफा निकल के आया 10.5 करोड़ से ज़्यादा का। 2021 के वित्त वर्ष में जो कि कोविड भी रहा, 54 करोड़ से ज़्यादा का जो राजस्व रहा और जो मुनाफा निकल के आया 9 करोड़ के आसपास। लेकिन 2022 के वित्त वर्ष में देखेंगे तो करीब 96 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर रहा और जो मुनाफा निकल के आया करीब 15 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही शानदार जंप है। दोस्तों, अगर आप होल्डिंग देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है होल्डिंग देखना इस कंपनी की। जो प्रमोटर्स हैं उनके पास है 72.94% की होल्डिंग है, मतलब कि जो भी शेयर्स हैं उनमें इतने परसेंट की होल्डिंग इनके पास है। उसके बाद जो है छोटे बड़े हर प्रकार के निवेशक है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। उसका कारण है कि बहुत छोटी कंपनी है, मेजर शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो किसी ने भी थोड़ी सी बड़ी बिकवाली कर दी या प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो इसमें बड़ी गिरावट आ जाती है, लोअर सर्किट लग जाते हैं। हो सकता है कि आपको जो है अगर आप ऊपर के लेवल पर लेके बैठे हैं तो बहुत दिन तक आपको लॉस देखने को मिले, या फिर इसमें बड़ी खरीदारी हो जाती है तो अपर सर्किट लग जाता है तो फिर लगातार जो है भागता रहता है। तो ऐसी कंपनियों में अमूमन होता है। लेकिन अगर कंपनी कमा रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो फिर ऑफकोर्स कह सकते हैं कि एक लंबी अवधि के लिए मल्टी बैगर है। तो ऐसे में हमें छोटी धनराशि ही डालनी चाहिए। तो ओवरऑल केमक्रक्स का देखा जाए तो हम काफ़ी दिनों से वीडियोज़ बना रहे हैं और कई दफ़ा हमने आपसे चर्चा की है, लेकिन चूँकि छोटी कंपनियों में ज़्यादा खुल के इसलिए नहीं बोलते कि बहुत लोग गलत समय पे उठा लेते हैं और अगर वो थोड़े दिन के लिए नहीं भाग पाता है तो वो बार बार कमेंट्स करके कहते हैं कि सर इसमें हमने लिया था और हमें नुकसान हो गया। तो इसलिए हम छोटी कंपनियों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर जो अपने हिसाब से स्टडी करता है हमारे बताने के बावजूद और उसमें अपनी स्थिति के अनुसार वो लेता है तो उनको फ़ायदा भी होता है। केमक्रक्स का अगर बिजनेस देखें, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड केमिकल्स, जिसमें से बल्क ड्रग्स हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स हो गए, डाइज हो गए, पिगमेंट्स हो गए, इन सारे केमिकल्स में है। दूसरा स्टॉक है जो भी, ये भी अच्छा खासा मल्टी बैगर रहा, अगर देखें यशो इंडस्ट्री, अभी 1789 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, ROE वर्सेस FD रेट, ऑफकोर्स इसने जो है बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। डिविडेंड रिटर्न्स, डिविडेंड मामूली सा पे करता है, छोटी कंपनियां कहाँ डिविडेंड देंगी, वो तो अपने ग्रोथ में पैसा लगाती हैं। एंट्री पॉइंट नॉट अ गुड टाइम यानी कि अभी जो है ओवरबॉट है, और रेड फ्लैग्स फाउंड यानी कि ASM लिस्ट में है, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी। जब तक इस लिस्ट से बाहर नहीं आ जाता तब तक इसमें और भी तेज़ी, भयानक तेज़ी संभावना देखने की कम है। फिर भी बढ़िया कंपनी धीरे धीरे जो है ऊपर भागती रहेगी। काफ़ी गिरावट भी आई थी, 2100 के आसपास का हाई बनाते हुए 1200 के आसपास चल रहा था, उस समय भी हमने वीडियो बनाया था। अभी फिर से इसमें तेज़ी आ गई है, 1 साल में तो इसने 133% रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन अगर आप 5 वर्षों का देखेंगे तो करीब 1600 यानी 1700% के आसपास कह सकते हैं। ये भी एक छोटी कंपनी है,
2000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है, लेकिन इन कंपनियों में पोटेंशियल्स ज़्यादा है। जिस प्रकार से केमिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनको इन दिनों काफ़ी जो है वैल्यू दी जा रही है, इस वजह से काफ़ी तेज से भाग भी रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.81 का। और देखिए फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखेंगे, 2019 में जहाँ 350 करोड़ के आसपास टर्नओवर था, मुनाफा जो है करीब 12 करोड़ के आसपास, 2020 के वित्त वर्ष में देखते हैं 300 करोड़ का जो टर्नओवर था, 12 करोड़ से ज़्यादा का, और 2021 के वित्त वर्ष में देखते हैं तो 370 करोड़ के आसपास और जो मुनाफा रहा 21 करोड़ से ज़्यादा का। लेकिन 2022 के वित्त वर्ष में देखिए जंप देखिए, छोटी कंपनियों में कितनी तेज ग्रोथ हो रही है, 622 करोड़ का जो है टोटल टर्नओवर रहा और मुनाफा रहा करीब 52 करोड़ के आसपास। तो देखिए प्रॉफिट जो है हर दूसरे तीसरे साल में जो है डबल हो रहा है। इसमें भी देखिए जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 71.54% होल्डिंग है। अब इसमें जो है FIIs दिखने लग गए हैं, मामूली से आ गए हैं 0.08%, पहले ज़्यादा थे। अगर आप देखें दिसंबर के क्वार्टर में 0.24% थे, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, अब जो है 0.8% के आसपास हैं। बाकी छोटी बड़ी हर पार्टियां हैं, तो इसमें भी काफ़ी बिकवाली हुई थी, इस वजह से इसमें काफ़ी गिरावट भी आई थी। यशो इंडस्ट्रीज़ का अगर आप बिजनेस देखेंगे, एरोमा केमिकल्स में है, रबर केमिकल्स में है, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में है, लुब्रिकेंट एडिटिव्स में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है। तीसरा और जो अंतिम स्टॉक है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड, जो जुबिलेंट ग्रुप से जो है इसको जो है डिमर्ज करके अलग से लिस्टिंग हुई है, 484 का इसका स्टॉक प्राइस है। इस पर हमने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था और कहा था कि अगर आपको 450 के आसपास मिले तो आप ज़रूर जो है एंट्री ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो हाई बना चुका है साल का 838 का और अभी जो है 484 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल पहले जिन्होंने निवेश किया होगा उनको करीब 35% के आसपास का लॉस हो रहा है। एंट्री पॉइंट अभी यहाँ पे गुड टाइम टू कंसीडर एज ए स्टॉक इट नॉट इन आवर बॉट जोन और किसी प्रकार का यहाँ पे जो है रेड फ्लैग्स नहीं है। ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है, 7,794 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। और जो इस साइड के एनालिस्ट हैं टिकर टेप के, उन्होंने अपना 100% मत इस कंपनी को दे रखा है। अब वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे 16 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.20 का, डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 1% के आसपास का। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 51.47% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें 0.07%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं 0.63% और FIIs इसमें अच्छे खासे हैं 10.19%, रिटेल एंड अदर्स है बाकी 37.64%। लेकिन FIIs की काफ़ी तादाद कई क्वार्टर्स में लगातार कम होते ही गए हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस, केमिकल इंटरमीडिएट्स में, तो तीनों सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा जो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को। और जब भी ये कंप्लीशन होगा, जब वहाँ से जो है बढ़ोतरी होगी, तो मुझे लगता है इस कंपनी में भारी तेज़ी देखी जा सकती है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो अभी सही प्राइस पे ये दिखाई दे रहा है। तो तीन आज हमने बेहतरीन कंपनियों के बारे में दोस्तों चर्चा की। तो दोस्तों तीनों कंपनियों में आप अपने रिस्क के अनुसार किसी एक कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। आप वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं जैसा कि हमने जिक्र किया। सबसे पहले जो सही वैल्यूएशन में नज़र आ रही है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया, जो कि थोड़ा समय लग सकता है। अगर किसी का 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो जो है इस कंपनी को कंसीडर कर सकता है। जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो थोड़े थोड़े करके बाई कर सकता है यशो इंडस्ट्रीज़ में। अभी और भी गिरावट अगर आती है तो और भी एंट्री ली जा सकती है, या फिर केमक्रक्स में थोड़ा और जो ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं तो उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तीनों प्रकार की हमने कंपनियां बताई जो स्मॉल कैप की हैं। ये तीनों कंपनियां आपको किस प्रकार की लगती हैं, आप भी अपने विचार जो है कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं।